नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों एनिमल फिल्म का एक और गाना आज रिलीज कर दिया गया है। गाने का टाइटल है पापा मेरी जान और दोस्तों सोनू निगम ने इसे गाया है और दोस्तों बड़ा ही इमोशनल गाना है। इस गाने को जब आप सुनोगे तो आप काफी इमोशनल हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं, आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। तो एक पिता पुत्र के रिश्तों पर आधारित ये फिल्म है और उसकी जो कहानी है फिल्म की, पिता पुत्र के रिश्तों की, ये गाना अच्छी तरीके से यहाँ पे बयां करता है। बहुत ही अच्छी तरीके से राजशेखर ने इस गाने को दोस्तों लिखा है। और आपको बता दूं कि इस गाने का जो म्यूजिक है वो दोस्तों यहाँ पे हर्षवर्धन रामेश्वर ने दिया है और सोनू निगम ग्रेट सिंगर, शानदार आवाज उनकी, बड़ा ही दिलकश अंदाज में, बड़े ही कशिश भरे अंदाज में, उनकी आवाज में कशिश है। और जो उन्होंने जिस अंदाज में इस गाने को गाया है वो आपको इमोशनल करने के लिए, आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए काफी है। तो काफी अच्छा गाना लिखा है, काफी अच्छा इसका एक म्यूजिक कंपोज किया गया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोनू निगम द्वारा गाया गया है। दोस्तों पिता पुत्र की ये कहानी है। एनिमल अनिल कपूर इसमें रणबीर कपूर के पिता बने हैं और आजकल पिता पुत्र की कहानियों का दौर, चाहे वो गदर 2 हो, जवान हो, काफी बड़ी वो बॉक्स ऑफिस पर हिट रहती है। तो इस फिल्म से भी आप उम्मीदें लगा सकते हैं क्योंकि ना केवल ये क्राइम थ्रिलर है, जबरदस्त एक्शन इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, बल्कि दोस्तों इसमें इमोशन भी उतनी ही मात्रा में होने वाले। और पापा बेटे, बाप बेटे का जो इमोशन होगा वो दोस्तों बहुत ही गजब यहाँ पे रहने वाला है। बड़ा ही मजा आपको देखने में आएगा, बड़े ही इमोशनल आपको ये करने वाला, भावुक करने वाला है। गाने को आप देखिएगा, गाने को आप सुनिएगा और जिस प्रकार से यहाँ पे अनिल कपूर और रणवीर कपूर की जो यहाँ पे केमिस्ट्री नजर आ रही है, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब है। मैं आपको कह सकता हूँ कि अनिल कपूर अभी भी उतने ही, मतलब एक उनका जो लुक है और उनके जो एनर्जी है उनके वर्क करने की, अभी भी वैसी ही है। और अभी भी इस फिल्म में जरूर उन्हें थोड़ा ओल्ड लुक दिया गया, बाकी वो ऐसे लगते नहीं है, अभी भी काफी यंग नजर आते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग उनकी आंखों से ही व्यक्त हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त उनकी एक्टिंग यहाँ पे नजर आती है। और रणवीर कपूर का भी आप देखिए, क्या कमाल का लुक है, क्या गजब की उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहे हैं। और पिता पुत्र के जो फेस ऑफ वाले सीन, आपस में जो दृश्य है वो कितने जानदार यहाँ पे बन पड़े, कितने शानदार यहाँ पे बन पड़े। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन आप देखिए, उनको महसूस कीजिए कि एक बेटा अपने पिता के लिए क्या क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पिता ने उनको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और सब कुछ सिखाया है, जीवन में आगे बढ़ने का तरीका बताया है। तो एक पिता के लिए पुत्र क्या कर सकता है, वो ये गाना बयान करता है। तो आप भी अपने बचपन की यादों में चले जाएंगे, बचपन की यादों में खो जाएंगे, अपने पिता के साथ आपके रिश्ते आ जाएंगे, उनका प्यार याद आएगा, उनका आशीर्वाद याद आएगा। दोस्तों बड़ा ही इमोशनल गाना है, एक हार्ट टचिंग सॉन्ग है, दिल को छू लेगा आपके। मुझे ये गाना काफी अच्छा लगा है। दोस्तों आप भी इस गाने को सुनिएगा। वैसा आजकल चल रहे है पार्टी सॉन्ग, वैसा सॉन्ग नहीं है, बड़ा इमोशनल, आराम से आप शांति से अकेले में बैठ करके, अपने पिता के साथ बैठ करके इस गाने को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उनके प्यार, उनके दर्द, अपनापन, इन सब को, उनके लिए इज्जत, मान सम्मान, उनके लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, उन्होंने क्या आपके लिए किया है, इन सब बातों को आप महसूस इस गाने के जरिए कर सकते हैं। अच्छा गाना है, सुनिएगा। फिल्म भी शायद काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि जिस प्रकार की ये बॉन्डिंग है और जिस प्रकार से फिर आपको एक्शन मिलेंगे रणवीर कपूर के, वो काफ़ी मजेदार रहने वाले हैं। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय बल्लभ।